Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing okay. I am also doing okay. So let's get started with our video. And also guys, I just wanted to tell you something. I just made a Pinterest account recently and I post random pics there from my day-to-day life. And if you wanna get to know me a little better, you can. Like, I post random pics on a daily basis. So I've linked it in the description and you can follow me. And it will be nice and we can stay connected. And okay, let's get started with our video. सो गाइज, दीज आर माई टारगेट्स आज के. मुझे लिविंग वर्ल्ड रिवाइज़ करना है और SHM के PYQs करने हैं, EM वेव के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और देन वेव मोशन स्टार्ट कर देना है. वेव मोशन मैं वन शॉट से करूँगी क्योंकि मैं 11th में उसको पहले कर चुकी हूँ बट वो मेरे अंदर सही से नहीं हुआ था, तो मैं उसको लाइक वन शॉट देख के अच्छे से दोबारा से करना चाहती हूँ. तो उसका जो वन शॉट है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? तो उसका पहला पार्ट आज मैं ट्राई करूँगी, हो पाए तो, वरना तो नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मैं ना लिविंग वर्ल्ड के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा. और सबसे पहले तो मैं इसको इसकी NCERT पढ़ूंगी और इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. यू गाइस कैन सी मेरी NCERT में ऑलरेडी PYQs मार्क्ड हैं, जो मैंने मार्क करे हैं यूजिंग PYQ मार्क्ड NCERT फ्रॉम NCERT अभ्यास बैच, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स की PYQ मार्क्ड NCERT थी रहती है. एंड गाइज, देर इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये PYQ मार्क्ड NCERT अब बिल्कुल फ्री हो गई है. NEET 2024 तक कोई भी बच्चा लाइक बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी यू कैन एक्सेस इट. यू गाइस कैन सी ये हाईलाइटेड लाइंस जितनी भी आएंगी PYQs है, और जब इस हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करोगे तो वो PYQ खुल जाता है. मतलब यू कैन सी वो क्वेश्चन कैसे आया था, कौन से ईयर में आया था, कितनी बारी आया था, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट वहीं. और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वीडियो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन में दिया रहता है और उसको यूज़ करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड गाइज, PYQ मार्क्ड NCERT तो फ्री है, बट अगर साथ के साथ PYQ सॉल्व करने वाला आपको फीचर एक्सेस करना है तो उसके लिए यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. देन NCERT रिवाइज़ करने के बाद मैं इसके क्वेश्चन करने लगी इस चैप्टर के, वो भी NCERT अभ्यास बैच को यूज़ करके. इस बैच में ना आपको बोथ ओल्ड एंड न्यू NCERT के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पेज वाइज सबसे अच्छा फीचर तो यही है कि पेज वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं जो रिविजन को बहुत ईजी बना सकते हैं. आप कितने भी पेजेस रिवाइज करके उस स्पेसिफिक पेज के क्वेश्चन कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन उस पेज पे से बन सकते हैं सब मिल जाएंगे, और सभी क्वेश्चन का आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनमें देर आर ऑल्सो हिंट्स अवेलेबल जिनको यूज़ करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट सीइंग द होल सॉल्यूशन. You can also bookmark questions and this batch is super affordable. Link is in the description. जाके check out कर लो. So guys, मेरा ये chapter revise हो गया, मेरे इसके question practice हो गए, इसकी NCERT पढ़ ली मैंने अच्छे से, हर चीज़ हो गई. अब मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर SHM के PYQs करने बैठ रही हूँ, और उसके बाद EM वेव के शॉर्ट नोट्स, और फिर सबसे एंड में करूँगी मैं वेव मोशन का वन शॉट. सो गाइज, अब मैं अपने PYQs करने बैठ रही हूँ. अभी ना मैंने एक बारी लाइक PYQs करने से पहले अपने एक बारी शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए हैं, तो हाँ, और अब मैं कर रही हूँ इसके PYQs. सो गाइज, मेरे SHM के PYQs हो गए जिनमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, और अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था बीच में. देन अब मैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के शॉर्ट नोट्स पे आ गई हूँ, और आई होप इस पे ज़्यादा टाइम ना लगे. तो चलो, लेट्स डू इट.
सो गाइज, मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और देख सकते हो यू गाइज, और मैं इनको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी। मेरे को एक बारी वहाँ पे बस ग्रुप पे मैसेज डाल देना ताकि मुझे याद आ जाए। और बन तो गए हैं मेरे शॉर्ट नोट्स, और ग्रुप का लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। सो यस, डन। एंड ऑल्सो मेरा फेवरेट पार्ट टारगेट टिक करने का। सो गाइज, मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग तो मेरे को वेव मोशन का वन शॉट स्टार्ट कर देना था अब, बट अभी आई जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम माई स्कूल सेइंग कि आई हैव टू गो टू स्कूल परसों फॉर माई बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके मार्क्स लाइक जुड़ते हैं एंड ऑल, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिकल्स, लाइक यू कॉन्ट जस्ट यू नो लीव दैम। सो उसके लिए आई हैव टू स्टडी अलॉट, लाइक अलॉट मैंने कुछ भी नहीं कराया अभी तक प्रैक्टिकल्स के लिए। सो वेव मोशन की जगह अब मैं अपने प्रैक्टिकल्स का ही पढ़ूंगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू आर लाइक द वीडियो, एंड आई एम ट्राइंग टू पोस्ट एज मच एज पॉसिबल, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, एंड फॉर गिव मी अगर मैं थोड़ा सा यू नो मैस अप हो जाए क्योंकि मेरे बीच में प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, बट आई ट्राई टू पोस्ट जब भी आई कैन। ओके, एंड स्टे मोटिवेटेड गाइज, एंड बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।